मिल्क प्रोडक्शन एंड लैक्टेशन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स मैमरी ग्लैंड लैक्टेशन हारमोनल कंट्रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड कोलस्ट्रॉन सो फर्स्ट था मेमरी ग्लैंड उस मेमरी ग्लैंड आर एक्चुअली द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स मैमल्स जो हैं तमाम एनिमल्स से जो अलग जो चीज़ इनको सेपरेट करती है वो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड मेमल्स के जैसे डेफिनेशन भी जब हम करते हैं कि मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वन को मिल्क फीड करते हैं तो जो मिल्क फीडिंग ऑफ मिल्क होती है ये थ्रू द मैमरी ग्लैंड होती है विट मीनस द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज़ द यूनिक फीचर ऑफ़ मैम यूनिक फीचर का मतलब किसी और ग्रुप में ये फ़ीचर एग्जिस्ट नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स का ही फीचर है सो मैमरी ग्लैंड आर एक्चुअली इवॉल्व फ्राम द स्वेट ग्लैंड मैमरी ग्लैंड जब वो स्किन से के ही ग्लैंड हैं जिस तरह से स्वेट ग्लैंड हैं बॉडी के अंदर इस तरह से स्किन के जो है वो मोडिफाइड जो स्वेटिक गैंडस हैं वो मेमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गए एंड दे आर स्पेशलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्वेटिक ग्लैंड तो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन जो मेमरी ग्लैंड हैं ये ऐसी मॉडिफाइड ग्लैंडस हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और यंग वन को फीड करेंगे सो लैक्टेशन लैक्टेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड द इजैकुलेशन ऑफ मिल्क फ्राम द मेमरी ग्लैंड कि ये जो है जिसमें दो चीज़ें आ जाएंगी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के मिल्क को प्रोड्यूस करना विद इन द मेमरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो है ये इलेक्ट्रेशन आएगी और इसके अलावा दूसरा इसका आएगा रिलीज ऑफ मिल्क फ्राम द मेमरी ग्लैंड कि यंग वन जब फीड करेगा तो मिल्क जब रिलीज होगा तभी उसको फीड कर सकेगा तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्राम द मेमरी ग्लैंड इज द इलेक्ट्रेशन सो हाउ द इलेक्ट्रेशन प्रोसेस अकर्स अब लैक्टेशन का प्रोसेस जो है वो ये किस तरह से होता है इसमें कौन कौन से हारमोन इन्वॉल्व हैं मेनली जो हारमोन हमारी बॉडी में जो फीमेल की बॉडी में जो है दैट इज द प्रोलेक्टिन हारमोन प्रोलेक्टिन हारमोन इज प्रोड्यूसड बाय द पिच्यूटरी ग्लैंड पिच्युटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा इट विल इफेक्ट द ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट को इफेक्ट करेगा जिससे आहस्ता आस्ता क्या होगा कि मैमरी ग्लैंड डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगे और इन होना शुरू हो जाएंगे मैमरी ग्लैंड जैसे ही इार्ज होंगे इट दिस हैपन एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रेग्नेंसी अब ये प्रोसेस जो प्रोलेक्टन की प्रो, जो प्रोडक्शन है ये कब हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन इसके अंदर जो फर्दर जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है उसको स्टॉप करवा दिया जाता है ड्यू टू दारमोन ऑफ प्रोजेस्टिड एंड द ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टिडन हारमोन क्योंकि यंग वन अभी मदर के बॉडी के अंदर ही है वहाँ जो प्लेसेंटा है वो ज्यादा अमाउंट में क्या कराता है प्रोजेस्टिंग हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा था इससे एस्ट्रोजन मदर प्रोड्यूस कर रही होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन दोनों मिलकर प्रोलेक्टर हार्मोन को फॉदर टाइम बीइंग इसको इनहिबिट करेंगे लेटर ऑन जब बर्थ हो जाती है या ड्यूरिंग बर्थ का प्रोसेस जो होता है वो यंग वन जैसे ही बॉडी के बाहर आता है तो उसके साथ ही प्लेसेंटा जो है वो भी रिलीज हो जाता है जब प्लेसेंटा बॉडी से बाहर आ जाएगा तो अब मदर की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा जैसे ही प्रोजेस्टिड और हारमोन का लेवल डिक्रीज करेगा तो प्रोलेक्टिन को दोबारा स्टिमुलेशन मिलेगी नाउ इट इज़ अगेन एक्टिवेटेड प्रोलेक्टिन दोबारा क्या करेगा एक्टिवेट होगा और अब ये ब्रेस्ट के अंदर दोबारा से जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको जो है उसको स्टार्ट करवा देगा सो so नॉर्मली जब प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो उसको दोबारा स्टिमुलेशन से सेकेंड जो फर्स्ट था वो ये था कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलेक्टिन ने जब से मेमरी ग्लैंड को इन्लार्ज किया था अब सेकेंड टाइम जब स्टिमुलेशन इसको मिलेगी तो इट विल एक्चुअली स्टार्ट द देंथस ऑफ मिल्क ये मिल्क की स्टार्ट करवाएगा इसके साथ ऑक्सीटोसन हार्मोन इसको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द फीडिंग ऑक्सीटोसन हार्मोन मिल्क मिल्क की रिलीज में क्या करेगा हेल्प आउट करेगा तो इस प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसन ये दोनों हार्मोन्स फिर जो है वो मिल्क मिल्क को इजेक्ट करने में मिल्क को रिलीज करने में क्या करेंगे हेल्प आउट करेंगे कोलास्ट्रोम कोलोस्ट्रोम इट इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूड आपने आमतौर तो पर देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे बेहतरीन जो गज़ा है वो मदर का मिल्क है उसको मदर में उसको जो फीड, उसको फीड मदर फीड करवाए उसको अब इसकी रीज़न ये है इसकी रीज़न ये है कि जैसे बच्चे की बर्थ होती है तो उस वक्त जो मर्द की मदर की जो ब्रेस्ट में उसके मेमरी ग्लैंड में जो लिक्विड मौजूद होता है दैट इज़ नॉट एक्चुअली द मिल्क वो मिल्क नहीं होता बल्कि उसको हम कोलस्ट्रोम बोलते हैं कोलस्ट्रोम एक्चुअली प्रोटीन रिच मीडियम होता है तो इस तरह से ये होता है कि दिस इज एक्चुअली द प्रोटीन रिच मीडियम विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ अब जैसे ही जो कोलास्ट्रोल कोलेस्ट्रोम का एक बेनिफिट तो ये होगा इट इज़ गिविंग टू द यंग वन चूंकि वो नए इन्वायरमेंट पर बचा आता है तो यहाँ जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करेंगे तो कोलास्ट्रोम उसको क्या करता है बचाता है या उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है सेकेंड जो रोल है कोलास्ट्रोम का वो ये कि इट एक्ट्स एज अ लेगजेटिव टिव कहते हैं जो कब्ज़ कुशा चीज़ होती है अब चूंकि जो यंग वन जो बेबी था जब मदर के बॉडी के अंदर था तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें थी वो वहीं की वहीं रुकी हुई हैं अब कोलेस्ट्रोम क्या करेगा उस जो मटेरियल जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है उसको क्या करेगा निकालेगा उसको जो वो रिलीज कराएगा अब ये जो मटेरियल होता है जो बॉडी से रिलीज होता है अ ब्लैकिश इन कलर होता है नॉर्मली इसको मैकोनियम का नाम दिया जाता है यानी जो बच्चा सबसे फर्स्ट टाइम जो अपनी जो uh, डाइजेस्टिव सिस्टम जो जो यानी कि मटेरियल रिलीज़ कराएगा दैट इज़ द मेकोनीम है मिल्क प्रोड्यूस जो एक्चुअल मिल्क है ये आमतौर पर एक से तीन दिन के वक्फे के दरमियान मदर के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होगा जो शुरू में है वो कोलेस्ट्रम है एक से तीन दिन के बाद आयशा सा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी नाउ द रियल मिल्क विल बी देयर और वे जो उसको करेगा